Hey guys, what's up? This is Siddharth Malhotra. Welcome back to my channel. So guys, आज अभी मैं कॉलेज से जा रहा था तो ऐसे ही अचानक प्लान बन गया थ्रोटल का। यहाँ पर काफ़ी बाइकर्स आते हैं तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लेता हूँ। एक बार हेलमेट पहन लो तो बस बाल पूरे ख़राब ही हो जाते हैं। तो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको एक ऐसा कैफ़े है। तो लेट्स गो। तो गाइस कुछ ऐसा ही है कैफे, ये देखो बैठने के लिए टेबल वगैरह बहुत बढ़िया, डिजाइन तो अच्छा बना रखे काफी। अब कुछ ऑर्डर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। A few moments later. So guys, the food was really amazing and prices भी reasonable थे, तो आपको यहाँ पर definitely आना चाहिए, good place for visit. तो मैं आपको एक बार छोटा सा background दे देता हूँ इस पूरे cafe का। अगर आपको कभी बाइक राइड पर जाना हो तो आप यहाँ पर बाइक रेंट पे भी ले सकते हो। पीछे QR कोड है और यहाँ पर बाइक्स है, तो आप यहाँ से बाइक रेंट करके आप राइड पर जा सकते हो। तो निकलता हूँ मैं अब कैफे से और जाता हूँ घर पे, तो मिलते हैं रास्ते में। तो गाइज मैं निकल गया हूँ अब कैफे से, अब मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। तो ये जो फ्लाई ओवर है ना, ये वाला, ये अभी नया नया बना है। जो लोग गुड़गांव फरीदाबाद में आते जाते रहते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये बना है, और ये बहुत बढ़िया फ्लाई ओवर बना है। इस पर मतलब चलाने में अलग ही मज़ा आता है, एक तो इतनी स्मूथ रोड है ना, फील ही अलग आ जाती है। और मेरा थ्रोटल शोट जाने का काफ़ी पहले से ही मन था, क्योंकि मैं काफ़ी व्लॉगर्स की वीडियोस देखता था कि इस कैफ़े में आते हैं मोटो व्लॉगर्स, तो मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था, पर मैं बहुत बिज़ी था काफ़ी टाइम से तो मैं आ नहीं पाया, और आज आके तो मज़ा ही आ गया, मौज आ गई। तो लास्ट 2-3 महीनों से भी मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाया, क्योंकि अचानक मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के दोनों एक साथ, पहले कैंसिल हो गए थे फिर दोबारा होने लग गए। तो 2 महीनों से तो काफ़ी बिज़ी था मैं। तो अब देखते हैं आगे क्या ब्लॉग बनाऊंगा, कुछ तो करना ही है। तो अभी तो घर जा रहा हूँ, आगे देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, कौन सा ब्लॉग आता है। तो स्टे ट्यून्ड, वो सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। यहाँ कैसे आज जाम लग रखा है, वैसे तो इस रोड पे कभी जाम लगता नहीं है इतना, आज पता नहीं, देखते आगे कुछ ना कुछ तो हो रखा होगा तभी इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे। अरे नहीं निकलेगी। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हुआ होगा। पक्का कोई ना कोई ट्रक पलटा हुआ होगा यहाँ, जब भी आता हूँ ना हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर होता है, कभी कोई ट्रक पलट जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, ज़्यादातर ट्रक ही पलटते हैं यहाँ पे इस रोड पे। ओ भाई साहब, दो ट्रकों का एक्सीडेंट हो रखा है। तो डेली यही काम है ना, कि डेली यही होता रहता है यहाँ। चलो सही है यार, रास्ता तो मिला, सही है बाइक पे आ गया। कार में तो जाम में इतना फंस जाते हैं ना, तभी मज़ा है बाइक का, कहीं से भी निकाल लो, कहीं भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाम में तो बेस्ट है बाइक, टेढ़ी टेढ़ी करके कहीं भी निकाल लो, मज़ा आ जाता है। पता नहीं ऐसे कैसे चलाते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स, हमेशा कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है। चलो चलते हैं हम घर की तरफ,
सो गाइज आई थिंक ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी मेरी वीडियो। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे हैंडल आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और मिलता हूँ किसी और व्लॉग में। बाय।